दीपावली 31 अक्टूबर को है या फिर 1 नवंबर को, इस समय यह सवाल सबसे बड़ा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार सनातन पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है, जो कि 1 नवंबर की शाम 6:16 तक रहेगी। ऐसे में लोगों का प्रश्न केवल यही है कि किस दिन दीपावली मनाना सही होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली के लिए अमावस्या की रात का होना बेहद जरूरी है। कहते हैं दीपावली में रात्रि व्यापिनी अमावस्या का महत्व होता है। इस दौरान ही माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और भक्तों के घर जाती है, और इस बार यह तिथि 31 अक्टूबर को है। इसके उलट 1 नवंबर की रात अमावस्या नहीं होगी, तो ऐसे में दोस्तों यही कहना उचित होगा कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना शुभ रहेगा। दिवाली पर किया जाने वाला पूजन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल और स्थिर लग्न में होता है और इस वर्ष 31 अक्टूबर को ही यह शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार पहला मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:36 से 6:15 तक रहेगा। स्थिर लग्न में वृष लग्न का मुहूर्त शाम 6:28 से 8:24 से और सिंह लग्न का मुहूर्त रात 12:56 से 3:10 तक मिलेगा। तो इस दृष्टि से भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना उचित होगा। वही एक दूसरे तथ्य के अनुसार दिवाली पर प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के वक्त पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार 31 अक्टूबर को ही प्रदोष काल लग रहा है। अगर अमावस्या तिथि 1 नवंबर को प्रदोष काल स्पर्श कर रही होती तो उस दिन दिवाली मनाना ज्यादा सही रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसे में हम सभी का 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना सही है। आपको यह भी बता दें कि गोवर्धन पूजा में उदया तिथि का मान होता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर और भाई दूज 3 नवंबर को मनाया जाएगा। इस तरह इस बार दीपोत्सव 6 दिनों तक चलेगा। दोस्तों, हमने शुभ मुहूर्त की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वहां से भी शुभ मुहूर्त को पढ़ सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा कि इस बार किस दिन दीपावली मनाना उचित होगा। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।